नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंठन। बच्चों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कलेक्टर ने ली स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की समीक्षा बैठक। 1 से 18 वर्ष तक के बच्चों का मुफ्त में हृदय का इलाज किया जाएगा। कलेक्टर ने दिए निर्देश, दस्तक अभियान में लाए तेजी, बच्चों के विटामिन का टीका लगाएं। कलेक्टर ने दिए निर्देश, दस्तक अभियान में लाएं तेजी, बच्चों के विटामिन टीका का रखें ख्याल। कलेक्टर निर्लया राजवाटी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की संयुक्त बैठक ली गई है। बैठक में जिले भर के महिला बाल विकास और स्वास्थ्य संबंधी अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाया गया था। कलेक्टर निर्लया राजवाटी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि चलाए जा रहे दस्तक अभियान में तेजी लाएं और प्रत्येक जच्चा और बच्चा को विटामिन एवं टीकाकरण संबंधी कार्यवाही पूरी करें। कलेक्टर निर्लया राजवाटी ने कहा कि ऐसे मौसम में वायरस का काफी खतरा रहता है, जिसके लिए घर घर जाकर दवाइयां दी जाएं। बाल एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम अंतर्गत शासन के द्वारा ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है जो 0 से लेकर 18 वर्ष के हैं और उन्हें हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है, उसका शासन के द्वारा मुफ्त इलाज किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी ध्यान किया गया है कि अप्रैल माह में चलाया जाने वाला बच्चों के टीकाकरण कार्यक्रम में कोरोना के कारण जो विलम्ब हुआ है, उसे जल्द से जल्द टीकाकरण किया जाए। स्वास्थ्य और महिला बाल विकास का आज एक ज्वाइंट रिव्यू मीटिंग किया गया है। इसमें बहुत सारे बिंदु थे, एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन का लेकर है टीकाकरण, जैसे कोविड टीकाकरण या अप्रैल मई में लॉकडाउन के कारण हम लोग रेगुलर इम्यूनाइजेशन है, टीकाकरण है बच्चे का और गर्भवती महिला को करते हैं, उसमें थोड़ा सा है ना गैप होता है, उसको कैचअप सेशंस लगा करके सारे बच्चों को है ना मतलब टीकाकरण है ना पूरा कैसे किया जाए उसके लेकर है ना रणनीति बनी है। इस अगस्त महीने में हम लोग है ना 100% टीकाकरण सारे बच्चे को करने के लिए ना प्रयास करेंगे। उसके साथ अभी दस्तक अभियान चल रही है महिला बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, घर घर जाके बच्चे कितने भी हैं उनको है ना मतलब सर्वे करके उनको विटामिन ए का है ना दवाई देना और उनका है ना डिवॉर्मिंग कराना और उनको जैसे गर्भवती महिलाओं को है ना मतलब उनको आयरन है ना कमी रहती है तो आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन देना और वायरस पैकेट है, बारिश का सीज़न है, डायरिया के ना मतलब है ना कॉमन शिकायतें आती है, सो हर घर पर मतलब है ना वायरस पैकेट और जिंक है ना दोनों है ना पहुँचाने के लेकर है ना मॉनिटरिंग हुई है। उसको 18 अगस्त तक है ना ये अभियान है ना चलेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत ऐसे बच्चे हैं जिनके ना जब जन्म के दौरान है ना मतलब उनका है हार्ट डिसीज़ है, उनको 100% है ना हम लोग है ना चिन्हांकन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो सारे बच्चे को राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 18 साल तक, 0 से 18 साल तक क्लफ्ट पैलेट है, क्लफ्ट लिफ्ट है, क्लफ्ट फुट है, कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ है, मतलब उन सारों को बिना APL BPL का कोई बंधन नहीं है, शासन है ना फ्री इलाज कराता है, उनको ना हम लोग चिन्हांकन करके RBSK के टीम के माध्यम से और हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संजय गांधी हॉस्पिटल में DEIC है, डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है, उनके माध्यम से ना उनको इलाज कराने के लिए ना हम लोग ना मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जब बीच में नवजीवन अभियान हम लोग लगातार चला रहे थे जनवरी फरवरी मार्च में, उसमें उसके दौरान भी काफ़ी बच्चे आइडेंटिफाइड थे, उसका पूरा लाइन लिस्टिंग करके उन बच्चों को भी है ना इलाज कराने के लिए लेंगे। अभी रिसेंटली एक 10 दिन का बच्चे का भी हम लोग ने मुंबई हॉस्पिटल नारायण हृदयालय भेज करके उनका पूरा ऑपरेशन करवाया है। सो कोविड का वैक्सीनेशन के लेकर गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण है अभी रिसेंटली शुरू हुआ है, उसमें और गति लाने के लिए ज़रूरत है, उसके लेकर भी है ना हमने मॉनिटर।